इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट, यानी कि हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या हो, जो नंबर्स हैं वो पावर्स में दिए गए हैं, तो इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसकी पावर को क्या करते हैं, प्लस बना, जैसे 2 की पावर -3 है, तो इस तरह हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी पावर को प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको अपॉन में ले आते हैं, फिर यहाँ से इसकी हम आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा फिर 1/8। तो हमें इसकी पावर को प्लस बनाना है। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पावर को प्लस बनाना होगा। तो 1/3 की होल पावर -1 दी गई है, इसको प्लस बनाने के लिए हमें पता क्या करते हैं, उसको उल्टा करना पड़ता है। जैसे 2/3 की पावर -2 है, तो उसको -2 को प्लस करने के लिए हमें 3/2 करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा, तब इसकी पावर प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी पावर रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा 3/1 की पावर +1 हो गई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4/1 की पावर +1, और यहाँ से इसकी होल पावर अभी भी माइनस है, तो अब ये रिवर्स हो गया और इसकी पावर प्लस हो गई। अब 3 की पावर +1 मतलब कि 3, और यहाँ पे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 की पावर +1 यानी कि 4, और इसकी होल पावर -1। अब इसके नीचे अपॉन में 1 मान सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से 3 - 4 यानी कि आ गया -1/1, क्योंकि बड़ी नंबर छोटी नंबर में से बड़ी नंबर जब घटाते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का 1 आ गया, यहाँ से -1। अब -1 ये है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से रिवर्स करेंगे। तो फिर से जब ये रिवर्स होगा तो ये प्लस का 1 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 1 नीचे। तो अब इसकी जो पावर हो गई, यहाँ पे समझ लीजिए +1 है, तो +1 लिखो या ना लिखो। अब इसको प्लस, ये माइनस ऊपर पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1, तो माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 1, तो नीचे प्लस का 1 आया। तो प्लस का 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो माइनस का 1 ऊपर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5/8 की पावर -7 × 8/5 की पावर -4। तो इसमें भी इवेल्युएट करने के लिए इनकी पावर को प्लस बनाना होगा। प्लस बनाने के क्या करें, हम इनको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, तो ये हो जाएगा +7। इसी तरह 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, तो 5/8 की पावर 4। अब क्या होगा, हमें पता है ये जो पावर होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ हो जाएगी 8/7 × ये जो क्या है, ये ऊपर ऊपर एक लिख लेंगे ऊपर 4/5 की पावर 7 × 8 की पावर 4। अब इनको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे 8/7 यानी 8 को कितने बार लिखना है, 7 टाइम्स, तो 8 × 8 × 8 × 8 × 8, तो 4, और यहाँ पे 6, 8 टाइम्स, और 5 को 4 टाइम्स लिख लेना है यहाँ पे, 5 × 5 × 5, अपॉन 5 को 7 टाइम्स, और 5 × 5 × 5 × 5, और 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 5 यहाँ पे 4 टाइम्स लिख लिया, बाकी के 3 यहाँ पे। इसी तरह 8 को 4 टाइम्स यहाँ पे हमें लिख लेना है। अब हमें ऊपर तभी नंबर्स कटते हैं जब इनको मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ पे सब क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इनको कट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स 5 दिए हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स 5 दिए, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे 4 टाइम्स 8 दिए गए हैं, तो यहाँ से 4 8 कैंसिल हो गए, नीचे के 4 8 ऊपर के 4 8 से कैंसिल हो गए, नीचे के 5 4 5 यहाँ ऊपर के जो 4 5 दिए थे वो कैंसिल हो गए, ऊपर बचा हमारा 3 times 8, तो 8 × 8 अपॉन 5/3 मतलब कि होता है 125, और 8 8 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512/125 इसका आंसर